नोट बैन पर संसद के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है और इसी हंगामे की वजह से राज्यसभा पहले 12 बजे तक के लिए और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष इससे पहले संसद परिसर के बाहर काला धन काला दिवस मना रहा है, काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। 16 दलों के विपक्षी सांसदों ने काला दिवस मनाया, संसद परिसर में श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने नोट बैन के फैसले के दौरान मरने वालों का मुद्दा उठाया। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि नोट बैन की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रही बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने गुलाम नबी आजाद पर पलटवार करते हुए कहा कि काले धन के कुबेरों की कंगाली पर विपक्ष काला दिवस मना रहा। नोटबंदी के निर्णय के बाद 100 से ज्यादा किसान, औरतें, मर्द, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान भाई बैठ जाइए, क्यों आप जान दे चुके रहे हैं। और हम चाहते थे कि इस सदन में उनको श्रद्धांजलि अर्पण की जाए। आप बैठ जाइए, लेकिन सरकार ने देखिए आप बैठ जाइए से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से इनकार किया और यही कारण है कि आज अपोजिशन के लोकसभा और राज्यसभा के तकरीबन 150 से ज्यादा एमपीज ने और 16 राजनीतिक दलों ने विपक्ष के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने ब्लैक डे मनाया और उन 100 से ज्यादा लोगों को जो सरकार की गलत नीति की वजह से, नोटबंदी की वजह से किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को दवाई नहीं मिल पाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दाखिला कर पाया, ट्रेजरी बेंचेस नहीं थे, किसी के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। काले धन के मुद्दे पर हम चाहते हैं चर्चा होना, डिस्कशन जा रही है। 90 काले धन के कुबेरों की कंगाली पर काला धन और नया जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई काला धन और बेईमान बचेगा नहीं और देश के गरीबों, देश के कमजोर तबकों के विकास के लिए इसी हंगामे की वजह से पहले 12 बजे तक और उसके बाद 2 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।